धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन मुबारक चरणों के आप जी सारे जुड़ मिल के बैठे हो। सब तो पहला फतेह की सांझ पाउंदे आ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। काफ़ी विचारा हो चुकिया ने, उन्होंने एक गल बार बार ये हुई है कि एक चंगी अते वधिया सिख लीडरशिप के उभार की जरूरत है। ये गल तो आप सारे जने समझते हैं कि चंगी तो वधिया नरोई पंथ के पंजाब नूं समर्पित मनुखता के भले वास्ते इदां दी सिख लीडरशिप का उभार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो उन्हां लोकां दे वास्ते गल है जिहड़े उस फील्ड दे विच विचरदे ने, भाव के जिहड़े वख-वख जथेबंदियां दे रूप दे विच जां वख-वख सियासी पार्टियां दे रूप दे विच विचरदे ने, भावें उन्हां दी गिणती घट है ते भावें उन्हां दी गिणती ज़्यादा है। ये उन्होंने वेखना कि आपां पिंड पद्धर तक किदां अपने पैर पसारने आ, और जिहड़े आपां आम हैगे आ, मैनूं ये लगता हैगा कि जे सानू लगता कि वो अपने इरादियां दे विच कामयाब नहीं हो पा रहे, भाव कि जे पंजाब दे विच उदां दी सिख लीडरशिप का उभार नहीं हो पा रहा तां उहदे कई कारण हो सकते हैं। तो जिन्हां नूं लगता कि आपां उन्हां कारणां नूं दुरुस्त करन विच उन्हां दी हैल्प कर सकते हैं, उन्हां नूं कोई सलाह दे सकते हैं, तो उन्हां जथेबंदियां दे आगूआं दे नाल मेड़ बैठ के जरूर विचारा करन तां जो वो उधर नूं वध सकण। उहदे विच बहुत ज़्यादा कमियां हैगियां ने। कई बार आपां देखते हैं कि साडियां कुछ धिरां दे आगू जिदां ना एक मीह पैंदा रचमा रचमा एक मीह पैंदा हैगा, बस छराटा जिहा पिया ते तहां तहां लंघ जांदा, उहदा कोई खास फायदा नहीं हुंदा हैगा। जिहड़ा रचमा मीह पैंदा उह जमीन नूं वी जरा पता लगदा कि हाँ मीह पिया, कुछ घंटे कुछ दिन पता लगता कि हाँ बई जमीन कई समा सिली सिली रहिंदी आ, पर जिहड़ा छराटा जिहा आके आई लंघ जांदा उहदा किसे नूं वी नहीं पता लगता, सगों कई बार उल्टा उहदा नुकसान जिहा हो जांदा जदों गर्मियां 'च हुंदी इदां, सगों जमीन ज़्यादा भड़ास छड़दी है। तुसीं देखिओ, मैं किसे दा नाम नहीं लैणा, उहनां नूं आप ही पता लग जाणा। इत्थे भैणां बैठियां ने, बीबी संदीप कौर जी बैठे ने, भैण आपां कुलविंदर कौर जी बैठे ने, बीबी जी बैठे ने, निरप्रीत कौर जी, होर बड़े योधे बैठे ने। मैं बीबियां दा नाम उचेचा इस करके लिया हैगा क्योंकि अज दा जिहड़ा समां साडा चलदा पिया ना जी, अज साडे घरां विच साडे परिवारां विच आसे पासे झात मार के वेख लो, माड़े मोटे बंदे तां फिर भी लभदे आ, नवें नौजवान माड़े मोटे फिर लभदे आ, माड़े मोटे सही भावें लभदे आ, पर बीबियां दे विच बहुत ज़्यादा गिरावट आ। कितें भी धरने मोर्चे मुजहरे होंदे आ तुहानूं उत्थे बीबियां उस संघर्ष का हिस्सा बनियां होईयां घट नज़र आउंदियां। शहीद भाई परमजीत सिंह पम्मा ते होर सूरबीर बहादुर योधे वह अपनियां घालणावां घाल के जा चुके ने, जिहड़ियां पैड़ां वह छड के गए ने। सानूं वह समझण की जरूरत आ भई वह करके की गए, उन्हां दे इरादे की सी, वह चाहुंदे की सीगे। आपां संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां की गल बार बार करदे आ कि उन्होंने आख्या सीगा कि जिद्दे हुण दरबार साहिब ते हमला होया तां खालिस्तान की नींह रखी जाऊंगी। उन्होंने यह गल कही तो साडे सूरबीर बहादुर योधियां उहदे ते पहरा दिता, बहुत हद तक पहरा दिता, इतों तक पहरा दिता कि उन्होंने जामे शहादत पीना तो कबूल कर लिया, पर समय दीआं हकूमतां दे मूहरे उन्होंने गोडे नहीं टेके। एक होर भी गल हैगी आ, अज समय दीआं हकूमतां च जिहड़ा दौर चल रहा उदों भी सीगा, उदों तुहानूं वर्ल्ड वाइड इदां कह के ये लोग अतवादी ने, पंजाब ते भारत का माहौल खराब करते पए आ, तुहानूं बदनाम करके सानू उन्होंने टारगेट किया, निशाना बनाया। अज हौली हौली करके बहुत कुछ नशर हो रहा, हुण उन्होंने ढंग तरीके थोड़े जिहे बदल लए आ। आपां सारे जाणदे आ, आपां इत्थों भारत तो बाहर वेख लो, इंग्लैंड दे विच अमेरिका उत्थे अमेरिका दे विच जां कनेडा दे विच जिहड़ियां घटनावां वापरियां उत्थे उन्होंने वख-वख ढंग तरीकों नाल सानू मारना, साडे योधे नूं मारना शुरू करता, इत्थे भी करदे आ बहुत कुछ। ते साडियां जिहड़ियां पंथक धिरां वो अपने दे ही हक दे विच नहीं बोलदियां, एक गल करके फिर आपां जिहड़ी आपां जो असीं कर सकदे आ, असीं भावें जथेबंदक तौर ते ना भी विचरदे होईए आम सिख होईए, उहदे बारे गल करूंगा। पिछे जिहे आपां पत्रकार सानूं ना कई वार इह लगदा कि फलानी धिर जां फलाना बंदा जां फलाना पत्रकार जां फलाना चैनल जां फलाना अदारा वो आह गल जां आह काम क्यों नहीं करता। मैनूं चेतिया, मैं भी इह सोचदा हुंदा सीगा, मैं कोई जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया होया, मैं जिहड़ा लफ्ज़ हुणे बोल के हटिया जर्नलिज्म, मैनूं नहीं पता हैगा कि इहनूं जर्नलिज्म कहिंदे आ कि जनरलिज्म कहिंदे आ, मैनूं इस गल का भी नहीं पता, पर मन विच इक तमन्ना सीगी कि आपां कैमरे मूहरे बैठ के जिहड़ा बिरतांत नैरेटिव हकूमत वल्लों सैट किया जाता लोकां 'च सुट्टिया जाता असीं उहनूं भन्नणा
भन के वो बराबर एक नैरेटिव जोड़ा साडा पंथ तो पंजाब खाते भुगतने वाला नैरेटिव असी वो सिरजना वो वास्ते माड़े मोटे आप यतन किए जिद कामयाबी सानू थोड़ी बहुत मिलती है भावें चैनल बंद कर दे भावें कभी कुछ कर दे कभी कुछ करते हैं भावें थ्रैट्स आदियां ने साडिया धिर साडिया जथेबंदियां जेडे तो जिन्हों के तो वे नाम है उन्हों वास्ते तो वह हाथ दारा मारते हैं पर इतने जो कोई पत्रकार जहानों चल जाए रहासमई हले तक सच्चाई सामने ना आवे ना प्रवीर सैनी की गल करता है असी उम्मीद तो करते हैं कि साड़िया आ इंटरव्यूज कर असी उम्मीद तो करते हैं कि साड़िया खबर अपने चैनलों के उपर देन पर जे उसकी मौत हो जाए फिर असी बोलते भी नहीं उस तो बाद जो किसी होर थ्रैट आ जाए भावें सज्जन हो भावें घुमाण हो इस गल का इंतजार करते हैं आप उम्मीद नहीं करते जो बंदा जिस राह तुरदा वो उम्मीद पर एक रोस हों जड़ा काम साढ़े करने वाला है हूँ मैं वो बारे दो गल करके खिमा मग लेनी है आप घट्टो घट जे इदा सोचते हैं कि असी खालसा राज देखना चाहते हैं तो खालसा राज देखने दे चाहवान बंदे सवेर तो लैके रात सौन तक मैं काम सिख की गल करता बिच मैं भी आना असी जिस तरीके की जिंदगी जीने कि उदा के सुपने सिरज वाले उदा सिरजन वाले देखने वाले उदा की जिंदगी जीते होंगे ने एक गल मेरे ते ढुकदी आ मैं वह कर लगा गुरु की हजूर च खड़ो के रात को 2 बजे सौ के सवेर को 10:30 बजे उठना यह सानू RSS जां सरकार तो नहीं कह के जाती ये तो साड़ी आपकी मजबूरी है ना घर के अपना आनंद कार्ज अपने बच्चों का आनंद कार्ज करते हैं छोटे भैन भरावों के आनंद कार्ज करते हैं RSS जां समय की सरकार थोड़ी कह के जाती है कि तुम गुरु की हजूरी में आनंद कार्ज नहीं करना तुम उत्थे ब्याह करना है तुम उत्थे कंजर घाट खिलारना पूरा पैलेस के सू तो नहीं कह के जाते वो कम तो साढ़े करने वाला है ना कि साढ़े घर शराब दिया पेटियां वह छड़ के जाते हैं अपने सूरबीर बहादुर योधिया दादा मना ना मना सा अपना फैसला आ भैन किसी RSS वाले ने कल रात रोकया नहीं आके भी तुम्हें नहीं मना वो मना रहे तुम हाजरी भरने वास्ते आए हो राह हले तक किसी ने रोकया नहीं जो तो रोकन गए फिर वेखी जाओ इस अलावा तो अपने बच्चों उन्होंने स्कूलों में पढ़ा जिथे कहें कि पंजाबी नहीं बोलनी जिथे कहें कि हिंदी च गल करनी है सानू RSS वाले थोड़ी कह के जाते कि तुम अपने बच्चों उत्थे लैके जाओ उत्थे उन्होंने कोई कंपलसरी नहीं है आप जाके उन्होंने नहीं पुछते है सानू RSS वाले कहेंगे ये गल कि तुम जाके उन्होंने नहीं पुछना कि तुम साढ़े बच्चों हिंदी में गल कर क्यों कहते हो असी पुछते ही नहीं असी गल ही नहीं करते उदा की सानू RSS वाले ने कहा कि तुम इतने उदा का स्कूल पंजाब कोई ना खोलो जिस स्कूल के बच्चों वास्ते पंजाबी गल करनी कंपलसरी हो हिंदी का पीरियड जरूर लगूंगा उत्ते सिलेबस उ पढ़ाया जाऊँगा जोड़ा सरकार का पर उत्थे एनवायरमेंट उदा का सिरजा जा सकता जिदा का आप सिरजना चाहते हैं सानू रोकया भला किसी ने असी वास्ते कोई यतन उपराला नहीं कर रहे रसाला वीर दस रहे बंद हो जा रहा रसाला बंद ना हो घट्टो घट पैसों करके तो ना बंद हो ना वो तो यतन किया जा सकता कि नहीं ये कुछ वो यतन वा जिहड़े बाहर वाले सिंह ते साडे इत्थे वाले असी आप सवेर तो लैके रात सौण तक अपनी जिंदगी नूं उहदे मुताबिक जीवीए जे नहीं जीते आपां तां मैनूं लगता कि फिर सानूं इह कहिण दा हक नहीं हैगा कि असी खालसा राज देखना चाहुंदे आ इह आपां उहीं कही जांदे आ जिहड़े उस राज नूं देखण दा सुपना अपने मन च सिरज के बैठे आ उहनां दी जिंदगी जीण दा ढंग तरीका उहनां दी जिंदगी दे मकसद कुछ होर होंगे वो साड़ी जिंदगी दे विचो साफ झलकण लग पैंदे होंगे लोगों को पता लगन लग पैंदा होंदा कि इस बंदे ने अपनी जिंदगी का मकसद हुण उस गल नूं बना लिया होया है जां नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सारे जने जरूर थोड़ा थोड़ा पहरा देने की कोशिश करिए अज होर कल होर परसों होर आप होर दे होर ही हो जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।